हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोलिन। ये जो इंजेक्शन है, इसने बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ बनाया हुआ है इस वक्त, जिसका दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस इंजेक्शन को लेके, और एक्चुअल में वो कभी ट्रिप्टोलिन यूज़ ही नहीं करते हैं, इसकी जगह पे कोई दूसरी ड्रग का यूज़ किया जा रहा होता है ट्रिप्टोलिन के नाम पे। तो आज उन सारे मिथ्स को दूर करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर मैं वहाँ पे आसानी से दे पाऊँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस लगातार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक एक करके सबका जवाब दूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी बहुत बड़े रहते हैं, तो मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो गाइस, ट्रिप्टोलिन के जन्म से शुरू करते हैं। ट्रिप्टोलिन पेटेंट हुई थी 1975 में, इसका जन्म हुआ था 1975 में। 1986 के अंदर मेडिकली यूज़ होने के लिए मार्केट में आ चुकी थी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो ड्रग है ये एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अगर आपको पता है ये कंपनीज कितना बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को, और साथ में जो गधे ट्रेनर बैठे हुए हैं, ये कई ट्रेनर्स ने तो एक्चुअल में सही ट्रिप्टोलिन लगा दिया है लोगों को, जिनकी वजह से उनकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो गई, और वो इतनी कम हो गई कि वो रिकवर ही नहीं हो सकती थी। उनकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रिकवर होने में 12 से 15 महीने लग गए। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आपको इन ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कि ट्रिप्टोलिन काम कैसे करती है और यूज़ किस केस में की जाती है। ट्रिप्टोलिन यूज़ होती है प्रोस्टेट कैंसर के केसेस के अंदर, जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बाद प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है उसके अंदर, वहाँ पर ट्रिप्टोलिन का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ट्रिप्टोलिन करता क्या है कि ट्रिप्टोलिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डाउन करता है। तो जब एंड्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो बॉडी में वो कैंसर स्प्रे नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर और जगहों पे नहीं फैलेगा। क्योंकि अगर वहाँ पर और टेस्टोस्टेरोन आएगा, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी के अंदर फ्लोट होता है, इसकी वजह से वो कैंसर भी पूरी बॉडी में फ्लोट हो जाएगा। उसको रोकने के लिए ट्रिप्टोलिन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक सिमिलर इंजेक्शन होता है ल्यूप्रॉन, जिसका भी यूज़ किया जाता है इन्हीं प्रोस्टेट के केसेस के अंदर, मगर ल्यूप्रॉन जो है वो 18,000 से 25,000 रुपए का इंजेक्शन है, वहीं पे ट्रिप्टोलिन एक सस्ता इंजेक्शन है। तो लोग ल्यूप्रॉन का यूज़ ना करके कई बार ट्रिप्टोलिन का यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन के लिए। जब टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, तो कैंसर के बॉडी में स्प्रे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या फ़ायदा है इसका बॉडी बिल्डिंग में, और क्यों ये गधे ट्रेनर्स लोगों को दे रहे हैं। आगे इसके और बेनिफिट या साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का प्रोडक्ट ही नहीं है। मैं सोच रहा था इसका वीडियो रिलीज़ करना, मगर मुझे लगा नहीं था कि ये वीडियो मुझे ऐसे डालना पड़ेगा। मगर स्टिल, जितनी जल्दी इस तरह की चीज़ें स्प्रे हो जाएँ उतना अच्छा है। तो प्लीज़ इस तरह की वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ताकि ये लल्लू ट्रेनर्स को भी समझ में आए, और ये जो गुरुजी बने बैठे हैं इनको भी समझ में आए कि भैया तुम्हारी औकात नहीं है ये सब लगाने की लोगों को, तो मत पंगा लो इन चीज़ों से, या तो अपनी बुद्धियाँ थोड़ी सी चलाओ और पढ़ लो इन चीज़ों के बारे में। जाने में इंटरनेट भरा हुआ है, हज़ारों किताबें आ चुकी हैं इन चीज़ों के ऊपर, कितनी ही मेडिकल बुक्स अवेलेबल हैं, कितना ही कंटेंट अवेलेबल है जो ये बता रहा है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, फिर भी लोग बेवकूफ़ों की तरह इन गधे लोगों को सुनते चले जा रहे हैं और अपने आप को पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनना बंद करो और पढ़ना शुरू करो, ताकि इन चीज़ों के बारे में स्टडी कीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क तक आ सकता है इन चीज़ों का यूज़ करने से। की वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like the video, subscribe my channel and share this video.